क्या भैया, लक्ष्मी बाऊ के ट्रेलर की इतनी क्यों पिटाई हो रही है इंटरनेट पे? आइए पता करते हैं। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई, बॉलीवुड और ओरिजिनलिटी का वही रिश्ता है जो आरफा खानम शेरवानी और सेक्युलरिज्म का रिश्ता है, हो ही नहीं पाता ये मेल। मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में ओरिजिनल आइडियाज की बहुत प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम मेन स्ट्रीम बॉलीवुड आजकल गानों के साथ भी फेस कर रहा है। जो पिछले 4-5 सालों में आप पॉपुलर गाने देखिए, उसमें से आधे गाने जो हैं वो 15-20 साल पहले जो गाने पॉपुलर हुआ करते थे उन पे फिर से उन्होंने नया मेकअप लगा के लोगों के सामने पटक दिया है कि भैया एंजॉय कीजिए। आजकल जो ओरिजिनलिटी है बॉलीवुड में वो ज्यादातर आ रही है जो इंटरनेट बेस्ड वेब सीरीज हैं या फिर जो नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम पर नए नए शोज निकल कर आ रहे हैं, उनमें थोड़ी ओरिजिनलिटी है। लेकिन उन शोज में भी भैया सेक्युलरिज्म इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि कभी कभी उन शोज को एंजॉय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी उन शोज में कम से कम कुछ ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स तो हैं। और बॉलीवुड के साथ भी वही प्रॉब्लम है कि बॉलीवुड में भैया ये ओवर सेक्युलरिज्म इतना ठूस ठूस के भरा हुआ है ना कि उनके पास टाइम या एनर्जी ही नहीं है कि भाई वो नए कॉन्सेप्ट डेवलप करें, नई मूवीज डेवलप करें। जब आप भैया इस तरह की मूवीज बना सकते हैं जिसमें ऐसे सीन हो, ताज अली मोहम्मद, तुम लोगों की वजह से शायद नाम मौत मर सकता है, लेकिन उसका नाम इस दुनिया में हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि उसके नाम में दो महान नामों का संगम है, अली और मोहम्मद। भैया ओरिजिनल कंटेंट बनाने की क्या जरूरत है? भारत में कई सालों से ये ट्रेंड चला आ रहा है कि बॉलीवुड जो है वो साउथ की हिट ओरिजिनल कॉन्सेप्ट मूवीज को लेता है और उन पर थोड़ा सा नया पेंट लगाकर, थोड़ी सी नई लीपापोती करके, उनको कॉपी करके एक नई मूवी बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है ना कि जो बॉलीवुड कॉपी करके मूवी बनाता भी है वो साउथ वाली मूवीज जितनी अच्छी नहीं होती है। यार अगर कॉपी करनी ही है तो कम से कम ढंग की तो बना दो। तो बॉलीवुड का जो ये ट्रेडिशन है जिसमें 15 साल पुरानी सब्जी को दोबारा गरम करके इंडियन पब्लिक को खिलाया जाता है, उस ट्रेडिशन में एक और नई मूवी निकल कर आ रही है, अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब। अक्षय कुमार जी देखिए देश से प्यार करते हैं और काम भी अच्छे अच्छे करते हैं देश के लिए, इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन देखिए ऐसे इंसान की रगों में भी सेक्युलरिज्म कितना कूट कूट कर भरा हुआ है। 786 का मतलब होता है बिस्मिल्लाह, किसी चीज की शुरुआत। और वैसे जैसे आपने सही कहा कि अमिताभ बच्चन बिल्ला 786 था, लोग कोई टैटू बना लेते हैं, जब से पैदाइशी इनके हाथों की लकीरों में 786 लिखा हुआ है, तो उसी चीज़ को जिसके ऊपर अल्लाह की इतनी रहमत हो तो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, उसको कोई खरोंच भी नहीं आ सकती है। तो लक्ष्मी बॉम्ब की बेसिकली कहानी ये है कि लक्ष्मी बॉम्ब जो है वो एक तमिल मूवी कंचना का बॉलीवुड रीमेक है। लक्ष्मी बॉम्ब की स्टोरी ये है कि एक आसिफ नाम का आदमी है जो बिल्कुल रैशनल है, जो बिल्कुल साइंस में विश्वास रखता है, जो बिल्कुल भूत पिशाच में विश्वास नहीं रखता है। लेकिन अचानक से ये बंदा जो है ये बिल्कुल औरतों जैसी एक्टिंग करने लगता है और बाद में पता चलता है कि हमारे आसिफ जी के ऊपर एक ट्रांसजेंडर औरत का, जिसका नाम शायद इस मूवी में लक्ष्मी है, उसका भूत चढ़ गया है। और ये ट्रेलर निकलने की जल्द बाद ही इस ट्रेलर को काफी भारी डिसलाइक्स मिलने लगे और हालत ये हो गई कि फिर इस वीडियो के ऊपर लाइक डिसलाइक का ऑप्शन ही हटा दिया गया है। हो सकता है कि सड़क 2 की इतनी बुरी सुताई के बाद डिज्नी के दिल में थोड़ा डर बैठ गया है और डिज्नी ने चाइना के पिछवाड़े पे पप्पी दे दे के लगता है चाइना से कुछ सबक भी सीखे हैं कि भाई यूट्यूब पे डेमोक्रेसी गई भाड़ में, लाइक डिसलाइक का ऑप्शन ही हटा दो। तो भाई ऐसा क्यों हुआ कि इस मूवी का जब टीजर निकल कर आया था तो उसको लोगों ने बहुत पसंद किया था, लेकिन जब इस मूवी का ट्रेलर निकल कर आया है तब इस मूवी को इतने सारे डिसलाइक्स मिल गए हैं? तो इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, तो आइए उन रीजंस को एक एक करके देखते हैं। इसके पीछे कारण है कि बॉलीवुड जो है वो ज्यादातर हिंदू कल्चर का इस्तेमाल करता है कॉमेडी करने के लिए। कंचना में अगर देखिए तो मेन कैरेक्टर का नाम था राघवन और राघवन को हर चीज से डर लगता था, एक नंबर का डरपोक कैरेक्टर था राघवन। लेकिन इस मूवी का जो हीरो है उसका नाम राघवन से चेंज करके आसिफ रख दिया गया है और आसिफ को किसी भी चीज से डर नहीं लगता। आसिफ एक नंबर का रैशनल आदमी है, आसिफ एक नंबर का साइंस में विश्वास करने वाला आदमी है। और दूसरी बात कि इस मूवी की जो ओरिजिनल मूवी है उसका नाम था कंचना, जो कि भूत का नाम भी था मूवी में। इस मूवी में भी सुनने से तो यही लगता है कि भूत का नाम लक्ष्मी है, लेकिन इस मूवी का नाम लक्ष्मी क्यों नहीं रखा? लक्ष्मी
बॉम्ब क्यों कर दिया? और ये सवाल भी जायज है कि अगर आप लीड कैरेक्टर का नाम राघवन से चेंज करके आसिफ रख सकते हैं, तो इस मूवी का नाम भी आप चेंज करके लक्ष्मी बॉम्ब की जगह आरफा बॉम्ब रख सकते थे, आयशा बॉम्ब रख सकते थे, फातिमा बॉम्ब रख सकते थे। लेकिन अगर ऐसा नाम रखा जाता तो फिर क्या होता? इस ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक परिवार जो है एक ऐसे रूम में जाकर बैठा हुआ है जहां पर भगवान की हर जगह फोटो लगी हुई है, यहां तक कि एक औरत जो है वो भगवान की फोटो से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी भगवान इनको नहीं बचा पाए। तो एक तरफ तो हिंदू भगवान जो है वो किसी को बचा नहीं सकते, और दूसरी तरफ आसमानी किताब को छूते ही आपका पैरालिसिस ठीक हो सकता है। बढ़िया गेम खेल रहे हो ये बॉलीवुड है सालो। कंट्रोल कंट्रोल उदय। और देखिए प्रॉब्लम इसमें ये नहीं है कि हिंदू कल्चर का मजाक उड़ाया जा रहा है या हिंदू कल्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है जोक्स बनाने के लिए। जोक्स से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, जोक्स अच्छे हैं, जोक्स जरूरी हैं, जोक्स सोसाइटी को शीशा दिखाने का भी काम करते हैं। प्रॉब्लम देखिए ये है ना यार कि बॉलीवुड में ज्यादातर हिंदू और सिख कल्चर का मजाक उड़ाया जाता है और हिंदू और सिख कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है जोक्स के लिए। हिंदुओं को दिखाया जाता है लालची और बदमाश जैसा, सिख जो इतनी बड़ी तादाद में आर्मी को ज्वाइन करते हैं भारत की सुरक्षा के लिए, उनको सिर्फ कॉमेडी कैरेक्टर जैसा दिखाया जाता है। लेकिन मुस्लिम कैरेक्टर को बिल्कुल हमेशा अच्छा, ऑनेस्ट और प्यारे कैरेक्टर जैसा दिखाया जाता है। अगर कोई मुस्लिम विलेन बनता भी है तो वो अपनी आइडियोलॉजी की वजह से बदमाश नहीं बनता, वो बदमाश बनता है, वो विलेन बनता है इंडियन गवर्नमेंट की वजह से, फॉर एग्जाम्पल लम्हा एंड मिशन कश्मीर। लेकिन हिंदू विलेन जो होता है वो अपनी आइडियोलॉजी की वजह से बदमाश है। कई ऐसी मूवीज हमने देखी है जिसमें की जो विलेन कैरेक्टर है वो एक बाबा है, साधु जैसा कैरेक्टर है। अभी हमने हाल में एक मूवी रिव्यू भी की थी मरजावा, जिसमें कि जो विलन है वो विलन इसलिए है क्योंकि वो अपनी आइडियोलॉजी में इतना विश्वास करता है, वो तो ये मानता है कि वो विष्णु का अवतार है। मैं राक्षस नहीं हूं मैं तो अवतार हूं। अब आप इमेजिन कीजिए कि बॉलीवुड में एक विलन होता जो सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी की वजह से विलन बना है, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने विलन नहीं बनाया, उसको किसी हिंदू की बदमाशी से विलन नहीं बनना पड़ा। इमेजिन कीजिए अगर कोई ऐसा विलन होता तो क्या होता? अब इतने सालों के बाद अब जाकर एक दो मूवीज निकल कर आ रही हैं जिसमें कि जो विलेन है वो सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी की वजह से विलेन बना हुआ है। तो हो सकता है कि इस तरह से जो एक तरफा रिप्रेजेंटेशन है बॉलीवुड का हिंदू कल्चर की तरफ, सिख कल्चर की तरफ, और जिस तरह से बॉलीवुड का रिप्रेजेंटेशन है दूसरे माइनॉरिटी कल्चर्स की तरफ, हो सकता है इस हिपोक्रेसी की वजह से भी कुछ डिसलाइक्स इस मूवी को मिले हों। रीजन जो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार कभी कभी ना कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस के बीच में एक मूवी में एज गैप कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है। अक्षय कुमार जी हमारे हैं 53 साल के और जो एक्ट्रेस है इसमें कियारा आडवाणी वो 28 साल की हैं। 25 साल का डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब ये कोई नई बात तो है नहीं, ये साउथ की मूवीज में तो और भी बुरा हालत होती है इसमें कि भैया हमारे 60 साल के गोंद वाले हीरो जो हैं उनको कॉलेज स्टूडेंट जैसा दिखाया जाता है, लेकिन जो इनकी हीरोइन होती है वो एक्चुअली कॉलेज एज की होती है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो अभी भी अक्षय कुमार से नाराज हैं। उन्होंने अक्षय कुमार के ऊपर एक एलिगेशन लगाया था कि अक्षय कुमार ने सुशांत सिंह का आइडिया चोरी करके फौजी ऐप जो है वो डेवलप किया था। अब इसके पीछे देखिए कुछ खास प्रूफ है नहीं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब अक्षय कुमार ने एक वीडियो बनाया था ड्रग्स कल्चर के बारे में कि भाई ऐसा ड्रग्स कल्चर सिर्फ बॉलीवुड में तो है नहीं, तो फिर बॉलीवुड के ऊपर सिर्फ क्यों उंगली उठाई जाती है, इस बात से भी हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत के फैंस नाराज हों और इस वीडियो को डिसलाइक्स मिले हों। बॉलीवुड में बड़े लंबे समय से एक ट्रेडिशन आ रहा है कि भाई गे कैरेक्टर्स को या ट्रांसजेंडर कैरेक्टर उसको हमेशा सिर्फ कॉमेडी कैरेक्टर की तरह दिखाया जाता है, ठीक तरीके से उनके इश्यूज को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। जब हम जवान होंगे
जाने कहाँ होंगे। How sweet, दो दोगे। अच्छा ये क्रिकेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्रिकेट, I just love क्रिकेट। 11 मर्द एक बॉल के पीछे, गौर, और आजकल तो बॉल टैम्परिंग भी होता है, you know? Hey, लड्डू बंद कर, तुझे डिस्टर्ब हो रहा है। हट, मैं कहाँ है लड्डू का? ये तो पवन का चौका मेरे बदन को हिला रहा है, डुला रहा है, झुला रहा है। झुला रहा है? एप्पल। जब लोगों ने इस मूवी का टीजर देखा था, अक्षय कुमार का वो पोस्टर देखा था, तब लोगों को लगा होगा कि भाई एक मेन स्ट्रीम एक्टर जो है वो एक ट्रांसजेंडर का किरदार निभाने जा रहा है, तो हो सकता है कि इस किरदार को अच्छी तरह से निभाया जाएगा। लेकिन जब ट्रेलर निकल कर आया है तो ट्रेलर इस तरह से बनाया गया है कि इस ट्रांसजेंडर कैरेक्टर को बिल्कुल आपने कॉमेडी कैरेक्टर बना दिया है। आई लव यू, छोड़ मुझे, हाथ क्यों लगाता है, शर्म नहीं आती हर की कहीं का। तो हो सकता है इस कारण की वजह से भी कुछ लोग इस मूवी से नाराज हो और इस मूवी को डिसलाइक्स मिले हो। तो ये ट्रेलर जो है ये बड़े गलत तरीके से बनाया गया है। होपफुली मूवी में एक बेहतर मैसेज हो, लेकिन उसके लिए तो भाई हमें मूवी का इंतजार करना पड़ेगा। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, आपको क्यों लगता है कि इतने सारे डिसलाइक्स मिले थे लक्ष्मी बॉम्ब मूवी के ट्रेलर को? आपको क्या लगता है रीजंस, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको शर्मा शो पसंद है और आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके श्याम शर्मा शो के एक पेट्रन बने। इससे आपको श्याम शर्मा शो के जो नए मग्स हैं वो भेजे जाएंगे। आप श्याम शर्मा शो के डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और आप श्याम शर्मा शो के मीम रिव्यू के लिए मीम्स भी सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप श्याम शर्मा शो के मीम रिव्यू के लिए मीम्स सबमिट करना चाहते हैं तो श्याम शर्मा शो का जो रेडिट सर्वर है उसको भी जरूर ज्वाइन करें। और फाइनली अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और फिर भी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया तक किस बात का इंतजार कर रहे हो, हैं? मूवी निकलने का इंतजार कर रहे हो? अरे बटन पे क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना, और हमारे यहाँ और यहाँ और भी वीडियोज हैं, इनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और फिर मिलेंगे।